वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री और चैप्टर 2 जो हम कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे और चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए थे ताकि वो वेरियस किंगडम्स के ऊपर कब्जा कर सके ईजीली। ठीक है भाई, तो देखिए हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। ये देखिए, नाम याद कर लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी ये गवर्नर जनरल थे कब, 1848 से लेकर 1856, यानी जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले ये गवर्नर जनरल थे और इनकी कुछ पॉलिसीज थी। देखिए, इन्होंने अपनी एक पॉलिसी लगाई थी जिसका नाम रखा गया द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके अंदर क्या होता था, देखिए, डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर His kingdom would lapse, that is become part of the company territory. अगर son पैदा नहीं होता, बेटा पैदा नहीं होता था एक male heir, basically son, अगर राजा की death हो जाती है और उसका सगा बेटा नहीं होता है तो जो वो kingdom होगा वो company के under आ जाएगा। company इसलिए बोल रहे हैं अभी भी, because अभी भी East India Company का ही राज था, तो ये lapse होके company के पास ये territory आ जाएगी। ये बड़ा ही एक simple इन्होंने policy बनाई थी, लेकिन राजाओं के लिए बड़ी ही टिपिकल हो गई थी, बिकॉज बहुत सारे किंगडम ऐसे चले गए। जैसे हम देखते हैं, वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स्ड, एक के बाद एक किंगडम एनेक्स कर लिया गया सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन, इस पॉलिसी को अप्लाई करके। जैसे सतारा 1848 में, संबालपुर 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854, और इसी वजह से जो 1857 की क्रांति है उसमें झांसी की रानी ने पार्टिसिपेट किया, बिकॉज उनके भी मेल हायर नहीं थे। तो ये बड़ी ही पेचीदा पॉलिसी बनाई थी इन्होंने, जिसकी वजह से राजाओं को बड़ा ही ये मान लीजिए तंग महसूस होना पड़ता था, उनको एक अलग ही सिचुएशन फेस करनी पड़ती थी। फाइनली इन 1856 में क्या होता है, द कंपनी टुक ओवर, अवध को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया था दिस टाइम। पहले देखिए, आपको याद होगा अवध को पहले कैसे कंट्रोल किया गया था, आर्मी के लिए, कि आर्मी रखी जाएगी हमारी, ओके अगर आप रेंट हमें नहीं पे करेंगे, हमें सैलरी नहीं देंगे तो हम आपकी टेरिटरी ले लेंगे। तो हाफ अवध तो उस टाइम कैप्चर कर लिया था, लेकिन अब इस पॉलिसी के तहत अवध को कंप्लीटली कैप्चर कर लिया था। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गुमेंट, दे सेड दे वर ओब्लिगेटेड बाय द ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिसगवर्नमेंट ऑफ द नवाब। और अवध में इन्होंने क्या कहा कि भाई नवाब है ना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारी हक बनता है कि ब्रिटिशर्स अब इसको कंट्रोल करें ताकि लोग खुश रहें। तो इस ये बहाना बना के इन्होंने अवध को कैप्चर कर लिया। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. और इसलिए अवध के इस प्रकार से नवाब को हटाने की वजह से अवध के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, किस क्रांति में भाई, जो 1857 की क्रांति थी उसके अंदर अवध के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम ये मैप देखेंगे कि एरिया अंडर ब्रिटिश रूल। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो ये इतना एरिया ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर था, ये छोटे ये जो येलो येलो पोर्शन दिख रहा है हमें। उसके बाद देखिए थोड़े से और साल बीत गए, ये इसके बाद देखते हैं हम कि ये जो एरिया ये बढ़ गया, देखिए आप येलो जो पोर्शन है काफी मात्रा में ये बढ़ गया था। ठीक है, नियरली हाफ ऑफ इंडिया वॉज कैप्चर्ड। और इसके बाद जो ये थर्ड मैप है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नियरली 80% ऑफ इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये आप देख सकते हैं कि जो 80% तक का एरिया इंडिया का ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। और जो ये छोटे छोटे रेड पोर्शंस बच जाते हैं ये भी इसलिए बिकॉज ये मराठास थे, यहाँ पे नेपाल है ये तो, ठीक है, और ऊपर ये जम्मू कश्मीर की अलग संस्था थी, हैदराबाद के अलग राजा थे, मैसूर के टीपू सुल्तान, इस प्रकार से इसलिए बचे हुए थे ये भी। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे हम सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सेटअप किया, मतलब कि पहले राजा होते थे, ठीक है, उनके मंत्री होते थे, उनके सेनापति होते थे, तो इस प्रकार से एक एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने कैसे इसको सेटअप किया, इसको देखते हैं हम। वेरन हास्टिंग का गवर्नर जनरल रहा भी 1773 से लेकर 1785 तक। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इनिशियल फेज से, जब अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल बनाने शुरू किए थे तब से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज किया। अभी देखते हैं सबसे पहले हम वेरन हास्टिंग के बारे में। तो वेरन हास्टिंग देखिए पहले गवर्नर जनरल थे, उसके बाद उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया एक्सपेंशन कंपनी की पावर बढ़ाने के लिए। बाय इस टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल, इनके टाइम पे देखिए बंगाल में पावर नहीं ली थी सिर्फ, बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी इनकी पावर बढ़ गई थी भाई। ठीक है,
बॉम्बे और मद्रास में भी इनकी पावर बढ़ गई थी। ब्रिटिश टेरिटरीज को कैसे एक्सपेंड किया जाता था, ब्रिटिश जितनी भी टेरिटरी थी उनको प्रेजिडेंसी बोला जाता था। याद रखिएगा भाई, वेरन हेस्टिंग के टाइम पे ब्रिटिश की जो टेरिटरीज होती थी उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला था प्रेजिडेंसीज। ठीक है, प्रेजिडेंसीज उनको बोलते हैं, जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं ना, जैसे हरियाणा स्टेट, ठीक है, स्टेट बोलते हैं हम, तो ऐसे उस टाइम पे क्या बोला जाता था, प्रेजिडेंसीज बोला जाता था। जैसे बंगाल प्रेजिडेंसी, बॉम्बे मद्रास प्रेजिडेंसी, उस टाइम पे तीन प्रेजिडेंसी होती थी भाई। वेरन हेस्टिंग के टाइम पे तीन प्रेजिडेंसी थी, बंगाल मद्रास एंड बॉम्बे। उस टाइम पे ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर। और देखेंगे कि हर एक प्रेसिडेंसी के अंदर एक गवर्नर होता था, मतलब बंगाल में एक गवर्नर, बॉम्बे में एक, मद्रास में एक गवर्नर। वेरन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स लेके आए। जस्टिस के मामले में अगर बात करें, जस्टिस यानी जुडिशरी की बात करें, कोर्ट वकालत जो इनकी बात करते हैं, तो इसमें कुछ बदलाव लेकर आए। क्या बदलाव थे देखते हैं हम जस्टिस के मामले में फ्रॉम 1772। अब जब ये आए थे, उनसे पहले का साल जो था 1772, उस टाइम एक नया सिस्टम आया जस्टिस का। उस टाइम क्या होता था कि ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो कोर्ट होते थे। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई उस टाइम डिस्ट्रिक्ट था ए, कोई डिस्ट्रिक्ट था, उसके अंदर दो कोर्ट होते थे, कोर्ट नंबर वन और कोर्ट नंबर टू। तो जो कोर्ट नंबर वन था उसको तो बोलते थे क्रिमिनल कोर्ट, जो क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया था स्पेशली। ठीक है भाई, क्रिमिनल कोर्ट, कितनी बात समझ में, तो इसको तो बोलते थे क्रिमिनल कोर्ट। और जो कोर्ट नंबर टू था उसको बोलते थे हम सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट मतलब जो नॉर्मल लोगों के लिए बनाया गया था, नॉर्मल लोग मतलब जो नॉर्मल क्रिमिनल के अदर केसेस आएंगे, जो नॉन क्रिमिनल केसेस होंगे उनके लिए। तो क्रिमिनल कोर्ट अब इंग्लिश में तो बोलेंगे नहीं इंडिया के लोग, उस टाइम क्रिमिनल कोर्ट्स को तो बोला जाता था फौजदारी अदालत भाई। क्या बोला जाता था, फौजदारी अदालत। ठीक है, और इसको बोला जाता था दीवानी अदालत, ये टैक्स वगैरह से रिलेटेड ज्यादा थी। ठीक है, दीवानी अदालत। तो ये दो टाइप के कोर्ट थे, क्रिमिनल और एक सिविल। अभी इसके बाद देखते हैं, मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट। अब देखिए, जो सिविल कोर्ट था, जो सेकंड नंबर का कोर्ट था, उसको कौन हेड करता था, कलेक्टर, ब्रिटिश कलेक्टर होता था। अब इसको रूल कौन बताएगा, इसको रूल बताएगा हिंदूज के लिए तो पंडित, और मुस्लिम्स के लिए जो काजी होते थे, उनके जो मौलवी होते थे। ठीक है, मौलवी उनके लिए जो रूल्स बनाते थे मौलवी, तो ये दोनों रूल बनाते और इंडिया के लोगों पर ये लागू करते सिविल कोर्ट्स के अंदर। क्रिमिनल के अंदर क्या होता था, अभी सिविल कोर्ट का आपको याद हो गया होगा, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर क्या होता था, देखिए क्रिमिनल कोर्ट अंडर द काजी, काजी तो मुस्लिम्स के लिए और अमुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ करेक्टर, और ये दोनों के लिए मुस्लिम लॉ लागू होते थे भाई उस टाइम पे। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में मुस्लिम लॉ यानी काजी और मुफ्ती। अभी हम देखेंगे काजी कौन था, काजी तो एक जज होता था भाई, मुफ्ती था मुस्लिम कम्युनिटी का एक जुरिस्ट जो रिस्पॉन्सिबल था उनके कानून के लिए। ठीक है, जो काजी को बताया जाता था कि यस सर आपको ये वाले कानून फॉलो अप करने हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में। तो इस टाइम मुस्लिमों के कानून जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे उसमें फॉलो होते थे, सिविल में दोनों के, हिंदूज के लिए पंडित के जो बनाए गए कानून थे और मुस्लिम्स के लिए जो मौलवीज ने बताए थे वो कानून अप्लाई होते थे। ठीक है भाई, तो ये तो था हमारा जुडिशरी वेरन हेस्टिंग के टाइम पे, बिल्कुल फर्स्ट गवर्नर जनरल के टाइम पे। उसके बाद आते हैं क्या क्या चेंजेस आए, उसके बाद देखते हैं हम। अ मेजर प्रॉब्लम वाज द ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र। अब हिंदू धर्म में देखिए क्या होता है कि बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं और उनके अंदर अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, और जो ब्राह्मण पंडित होते थे, जो ब्राह्मण्स होते थे उस टाइम के पंडित, ठीक है, उस टाइम के पंडित की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली किसी कास्ट की इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हम। सो जो उस टाइम के पंडित होते थे वो कानून को अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते थे। कोई कहता कि इस कानून के द्वारा ये बताया गया है, कोई कहता भाई मान लीजिए हमारे पास, हमने तीन पंडित ले लिए, तीनों अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे देंगे तो जज किसकी मानेगा भाई, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। टू ब्रिंग इस यूनिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए, इस ये जो गड़बड़ थी कि भाई अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे सभी, तो जज को प्रॉब्लम हो रही थी जजमेंट देने में, तो उन्होंने क्या किया कि 1775 के अंदर 11 पंडित्स को बुलाया गया कि एक हिंदुओं का कानून बनाओ भाई, कि एक हिंदू लॉ बनाओ कॉमन, उसको हम पढ़ के अपने आप बाद में जजमेंट सुना देंगे। उस टाइम पे एन बी हेलेड उस बुक को ट्रांसलेट किया, जो हिंदू कानून की बुक लिखी गई उसको एन बी हेलेड ने ट्रांसलेट किया किसके अंदर भाई, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ताकि उसको जज पढ़ सके, इंग्लैंड का जो जज है वो पढ़ सके। और 1778 तक मुस्लिम्स के लिए भी कानून, एक कोड कंपाइल अप किया गया ताकि यूरोपियन जज उनको इजीली पढ़ सकें। ठीक है, अब आती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए
अब ये जो कॉमन कोर्ट वगैरह का काम चल रहा था ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अभी जरूरत थी एक कॉमन कोर्ट की। इन सभी कोर्ट्स के ऊपर एक कोर्ट होना चाहिए, तो वो कैसे बनाया जाता है देखते हैं हम। अभी क्या आता है देखिए, 1773 के अंदर एक एक्ट आती है जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब अब ब्रिटेन थोड़ा बहुत रेगुलेट करेगा कंपनी के काम को, उसको रेगुलेट करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। भाई सुप्रीम कोर्ट वन ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट आज के टाइम पे भी इंडिया में, सबसे बड़ा कोर्ट यही होता है सभी कोर्ट्स के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है कहाँ पर, ये बनाया जाता है उस टाइम पे बंगाल में, ठीक है। आज के टाइम पे तो दिल्ली में है भाई, नई दिल्ली में, लेकिन उस टाइम पे बंगाल में होता है ये। 1773 में बनाया जाता है। वाइल सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाता है, वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील सदर निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप इन कलकत्ता। और एक अपील के लिए अलग से कोर्ट बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है सदर निजामत अदालत, ठीक है भाई। और इसको भी कहाँ बनाया जाता है, कलकत्ता में। तो ये कोर्ट बनते हैं। द प्रिंसिपल फिगर वॉज द कलेक्टर, और जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा होता था वो होता था कलेक्टर, ओके। इसमें उसका काम था रिवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, कानून वगैरह अप्लाई करना और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद पुलिस ऑफिसर होते थे, दरोगाज बोलते थे उसके ऑफिस में, कलेक्ट्रेट बोलते थे कलेक्टर के ऑफिस को। बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टेडीली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी। धीरे धीरे ये बदलाव आते गए अब, ठीक है भाई। क्या बदलाव आए, कोर्ट बदल गए, कलेक्टर की पावर अलग हो गई, उनके ऑफिसर्स अलग थे, तो ये कुछ पावर चेंज अप हुई। द कंपनी आर्मी, अब कंपनी की आर्मी कैसी होती थी देखिए, कॉलोनी रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके लिए आर्मी को भी कुछ बदलना जरूरी था। मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी। कैवलरी क्या होते हैं देखेंगे, ट्रेंड सोल्डर जो ये मान लीजिए घोड़ों पर बैठकर तीर, मतलब वो तीर मारते हैं, तलवार चलाते हैं, उस टाइप की कैवलरी थी ये, और इन्फेंट्री, ठीक है, जो पैदल होते थे। तो दो टाइप की उनके पास सेना थी मुगलों के पास। उनके लिए आर्चरी, तीरंदाजी और तलवार चलाना मेन था। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील टू नीड हैव अ लार्ज प्रोफेशनल ट्रेंड इन्फेंट्री। अभी कैवलरी घुड़सवारी वाले ज्यादा होते थे मुगल आर्मी के अंदर, लेकिन पैदल वाले कम होते थे क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी इन चीजों की। और रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स, और गाँव में बिकॉज उनके पास गाँव में पहले ही बहुत सारे आर्मी के लोग होते थे जो हेल्प के लिए आ जाते थे, ठीक है। सो इजीली उनके लिए पैदल सोल्जर्स तो मिलना बड़ा ही आसान था, इसलिए वो घुड़सवार सैनिक ज्यादा रखते थे ताकि वक्त पड़े पर उनको यूज कर सके। अब इन चेंजों को कैसे लाया गया, इनको कैसे बदला गया इस आर्मी को देखेंगे। व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक जैसे अवध और बनारस को जब कैप्चर कर लिया गया, तो उनकी ट्रेनिंग अलग तरीके से हुई। प्रोफेशनल सोल्जर्स ने उनकी ट्रेनिंग करवाई, उनकी ड्रेसअप एक यूनिफॉर्म बनाएगी, उनको सिपाही बोलने लगे अब, ठीक है। उनको क्या बोलने लगे भाई, हिंदी में सिपाही और इंग्लिश में सोल्जर, ठीक है, सिपाही और सोल्जर इनको बोलने लगे। एक टेक्नोलॉजी लाई गई वॉरफेयर, लड़ाई कैसे करनी है, लड़ाई के टाइम पे कैसे, धीरे धीरे इनकी फाइटिंग्स करवाई गई। बर्मा युद्ध हुआ, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में, जहाँ पे मस्केट्स और मैच लॉक्स। मस्केट क्या होते हैं, एक बहुत बड़ी गन, हैवी गन पकड़ाई जाती है इन्फेंट्री सोल्जर्स को। और मैच लॉक क्या होता है कि पुरानी टाइप की गन विच जिसमें पाउडर डाल के उसको आग से जलाया जाता था, फिर वो स्टार्ट होती थी वो गन, ठीक है। हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स, और कंपनी की आर्मी को भी इन टाइप के बदलाव से खुद को बदलना पड़ता था, जो ये गन्स के बदलाव आ रहे थे धीरे धीरे दुनिया में। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। स्टार्टिंग की बात करें तो एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर आ रहा था धीरे धीरे, एक यूनिफॉर्म वे, मतलब सबकी एक जैसी ड्रेस होगी, ये अलग से दिख जाएगा कि भी अंग्रेजों के सैनिक हैं, क्या होता था। अब ये यूनिफॉर्म तरीका क्या था, सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। सबसे पहली बात तो अब जितने भी फौजी या सिपाही आते थे, भर्ती होते थे, उनको यूरोपियन टाइप से ट्रेनिंग दी जाएगी भाई। मेन ड्रिल्स होंगे उनकी, डिसिप्लिन होंगे, ओके। और ऑफन दैट क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम क्या थी कि अब कास्ट की फीलिंग नहीं रही थी, और इसलिए लोग दुखी थे कि ये भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बिकॉज लोग है ना जो कास्ट और रिलीजन को इजीली गिव अप नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, की इंडिया की बात करें तो कास्ट और रिलीजन को गिव अप नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम आई। और इसी वजह से जो 1857 की क्रांति जो हम 5th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो इसके अंदर ये मेन फैक्टर थे, कास्ट और रिलीजन। इसके बाद आते हैं हम कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी इस चैप्टर का हमने देखा कि कैसे बदला गया अंग्रेजों के द्वारा। इस पार्ट में हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि अंग्रेजों ने क्या क्या बदलाव लाया एडमिनिस्ट्रेशन के, वैरन हास्टिंग ने क्या बदलाव लाया 1773 से लेके 1784 तक, क्या चेंजेस लाए। 1856 तक भी आपको याद होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से झांसी, अवध, सतारा, इस टाइप के वेरियस अदर
जो किंगडम से उनको कैप्चर कर लिया गया, रीजनल पावर्स को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया बेसिकली, ठीक है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. इसका मतलब है कि कंपनी आई तो थी ट्रेड करने, तो एक ट्रेडिंग कंपनी से लेके अब क्या बन गई थी वो, देखिए सबसे पहले क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी, अब वो बन गई थी टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, ठीक है भाई। एक अब टेरिटरीज कंट्रोल करने के लिए कॉलोनियल पावर बन चुकी थी ये ब्रिटेन के लिए, ये टेरिटरी इकट्ठा कर रही थी कि यहां से हम रिसोर्सेज लाएंगे। और न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, अब नई स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी आ गई थी। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी। पहले क्या होता था कि 6 से 8 महीने लगते थे कहीं से भी आओ इंडिया आने में, लेकिन स्टीम इंजन के आने की वजह से अब 3 हफ्ते ही लगते, तो इजीली अब ट्रेड करना बहुत ही ईजी हो गया था। तो इसीलिए इंडिया को कंट्रोल करना भी अब इनके लिए बड़ा ही अहम था, क्योंकि अब इनको लगते हैं 3 वीक तो ट्रेड तो हो गया आसान, लेकिन अब कंट्रोल करेंगे तभी इनके लिए बेनिफिट होगा। उसके बाद देखते हैं बाय 1857 तक क्या होता है, द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी। ये देखिए हमने ऊपर 80% बोला था, तो ये बोल रहे हैं कि 1857 तक लगभग 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन देखिए आप, 78% पॉपुलेशन को ब्रिटेन नहीं कंपनी कंट्रोल कर रही थी। ब्रिटेन तो 1857 के बाद कंट्रोल कर रहा था। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। अगर हम और बाकी जो ये बच गए, ये जो 37% एरिया एंड 22% पॉपुलेशन, इसके ऊपर इनडायरेक्ट रोल था उनका, उनको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे थे लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा था, बिकॉज मानना तो यही था कि अंग्रेज भारत पर कब्जा कर चुके हैं, बेशक ही उनके रीजनल पावर्स अभी भी कुछ जीवित थी। तो इसीलिए जो ये माना जाता है कि वर्चुअली लगभग पूरे इंडिया पे ही ब्रिटेन ने ब्रिटिश कंपनी ने कंट्रोल कर रखा था। तो उसके बाद देखते हैं एल्सवेयर क्या चल रहा था, बाकी जगह की थोड़ी बात करते हैं एक बार। इसके अंदर देखिए, द डच ट्रेडिंग शिप रीच्ड सदर्न अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, एक डच शिप पहुंचती है कहाँ पे भाई, अफ्रीका की बिल्कुल सदर्न टिप पे, ठीक है। सून अ स्लेव ट्रेड बिगेन, यहाँ से ना स्लेव्स का ट्रेड बिगेन होता है। स्लेव ट्रेड याद रख लीजिएगा, आपके 9th-10th में भी आएगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। इसके अंदर क्या होता था कि स्लेवरी को स्लेव्स को खरीदा जाता, उनको बांधा जाता और बेचा जाता था अलग अलग मार्केट्स में। और इसको खत्म किया गया, देखिए 1834 में जाके खत्म हुआ कहीं, आपको याद होगा, आगे आप पढ़ेंगे अगले क्लास में फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसमें ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ विजिटर्स ने भी स्लेव ट्रेड के बारे में लिखा, देखिए उस टाइम ऐड भी आती थी अखबारों में, जो इनके न्यूज़पेपर्स होते थे या कोई पैम्पलेट ही छापते, उसमें ऐड आती थी कि स्लेव्स को खरीद लें आप, हम यहाँ से स्लेव लेकर आ रहे हैं, तो इस प्रकार की एड्स आती थी। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर था और ये ओवर होता है हमारा इसका पार्ट 3, और चैप्टर भी हमारा ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर देखिए बोला कि लेट्स इमेजिन यू आर लिविंग, आप इंग्लैंड में रह रहे हैं 18th और अर्ली 19th सेंचुरी, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड टू स्टोरीज ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। अगर आप ब्रिटेन के नागरिक है, सोच के देखिए आप ब्रिटेन के नागरिक हो और ब्रिटेन कब्जा कर रहा है, जैसे इंडिया, चाइना, अफ्रीका, वेरियस इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज पे कब्जा कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आप फीलिंग कैसी रहेगी उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम बहुत सारा धन आ रहा होगा ब्रिटेन के अंदर भी, आपको भी बेनिफिट हो रहा होगा इनसे, तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग में, जैसे दीवानी क्या था भाई, राइट टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू, कलेक्ट करने का एक राइट था। टाइगर ऑफ मैसूर कौन था, सबको पता है टीपू सुल्तान था। फौजदारी अदालत किसके लिए थी भाई, क्रिमिनल्स के लिए थी, ठीक है। रानी छन्नामन याद है किसने की टूर में मूवमेंट चलाई थी, एक रीजनल पावर। सिपाही किसको बोलते थे, सिपोई, यानी सोल्जर को सिपाही बोलते थे, ठीक है। ब्रिटिश बैटल कब शुरू हुआ, बैटल ऑफ प्लास से पहला हुआ था, ओके। हैदर अली वर द रूलर्स ऑफ मैसूर के रूलर थे। इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को अगले पार्ट में करेंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो, और जाने से पहले शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू। इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें चैनल को। और जाने से पहले अपना ये होमवर्क है कि आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। सो इस पार्ट में हमने अभी तक क्या किया है देख लेते हैं, इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। इस पार्ट में हमने कम्प्लीट किया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसकी वजह से अगर मेल हायर नहीं है तो हम कैप्चर आउट कर लेंगे उस किंगडम को। उसके बाद हमने कंप्लीट किया था वेरन हास्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल थे,
वो क्या पॉलिसीज लेके आए, दो टाइप के कोर्ट्स पढ़े हमने, उसके बाद 1773 में सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद देखिए क्या होता है कि अब सदर निजामत अदालत आती है, और उसके बाद आप देखेंगे कि सोल्जर्स को बदला गया, आर्मी को भी थोड़ा चेंज आउट किया गया, जस्ट जज के साथ साथ आर्मी के में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए। सो आज के पार्ट में इतना ही, सो थैंक यू।